दोस्तों, आफ्टर बुलेट जी वायरलेस ईयरफोन्स, वन प्लस ने कुछ इम्प्रूवमेंट के साथ लॉन्च किए हैं अपने वन प्लस बुलेट जी बेस एडिशन, जिसको आज हम कंपेयर करेंगे बोट के प्रीमियम नेकबैंड वायरलेस ईयरफोन्स के साथ, बोट रोकर्स 335। लास्ट टाइम हमने बोट रोकर्स 335 को ओरिजिनल वन प्लस बुलेट जी से कंपेयर किया था, जिसमें बोट ऑलमोस्ट विनर बन के निकला था। बट नाउ जब हम वन प्लस बुलेट जी बेस एडिशन को कंपेयर करते हैं विद बोट रोकर्स 335, तो स्टोरी पूरी चेंज हो जाती है। हाय, दिस इज केतन फ्रॉम टेक हाईलाइट। आज के वीडियो में हम इन दोनों ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन्स बोट रोकर्स 335 एंड वन प्लस बुलेट जी बेस एडिशन के डिज़ाइन, फीचर, बैटरी बैकअप, लेटेंसी टेस्ट, माइक टेस्ट एंड साउंड क्वालिटी कंपेयर करेंगे, सो आप इजीली डिसाइड कर पाए कि 2000 की रेंज में आपको कौन से वायरलेस ईयरफोन्स बाय करने चाहिए। वीडियो को पूरा देखना एंड अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करके सपोर्ट जरूर करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें डिज़ाइन की, तो अनलाइक लास्ट टाइम बोट रोकर्स 335 का नेक बैंड वायर इस बार मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट लगा। आई थिंक कंपनी ने इस पे डेफिनेटली वर्क किया है, बट फिर भी वन प्लस बुलेट जी बेस एडिशन का नेक बैंड वायर बोट से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। बट यहाँ पे दोनों नेक बैंड ईयरफोन्स को आप मोड़ के अपनी जेब में इजीली डाल पाओगे। नेक्स्ट, बोट रोकर्स 335 के मॉडल्स आपको प्रीमियम एलॉय मेटल के देखने को मिलते हैं, वही वन प्लस बुलेट जी बेस एडिशन के मॉडल्स आपको प्लास्टिक के देखने को मिलते हैं। सो ऑब्वियसली बोट रोकर्स 335 स्लाइटली हैवी है कम्पेयर टू वन प्लस बुलेट जी बेस एडिशन। बोट के लेफ्ट मॉडल पे आपको जस्ट बोट का लोगो मिलता है, वही राइट मॉडल पे आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे कि पावर ऑन ऑफ बटन, LED इंडिकेटर एंड वॉल्यूम रोकर्स। वही सेम मॉडल पे आपको ईयरफोन्स को चार्ज करने के लिए USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। इफ यू वॉन्ट टू नो इन मोर डिटेल्स अबाउट बोट रोकर्स 335, तो आपको बोट रोकर्स 335 का रिव्यू जरूर देखना चाहिए। लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन पे मिल जाएगा। नाउ अगर हम वन प्लस बुलेट वायरलेस जी बेस एडिशन की बात करें, तो इसमें आपको लेफ्ट मॉड्यूल पे सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे कि वॉल्यूम रॉकर्स, मल्टीमीडिया बटन, माइक, USB टाइप सी पोर्ट एंड LED इंडिकेटर। सो वन प्लस जी बुलेट्स बेस एडिशन में इस बार आपको माइक एंड वॉल्यूम रॉकर्स के लिए अलग से मॉड्यूल नहीं दिया है, जैसा कि हमें रेगुलर वन प्लस बुलेट जी में देखने को मिला था। नाउ इसके राइट हैंड मॉडल पे आपको जस्ट वन प्लस का लोगो मिलता है। बात करें एक्चुअल ईयरफोन्स के डिज़ाइन की, तो दोनों का लुक डिफरेंट है। वन प्लस बुलेट जी में ईयरफोन्स आपको प्लास्टिक के देखने को मिलते हैं, वही बोट रोकर्स 335 ईयरफोन्स में आपको मेटल एंड प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। दोनों ही ईयरफोन्स में आपको सॉफ्ट सिलिकॉन टिप मिल जाती है, बट बोट रोकर्स 335 में आपको ईयर हुक देखने को मिल जाता है, जो आपको वन प्लस बुलेट जी बेस एडिशन में देखने को नहीं मिलता। वैसे इफ़ यू वॉन्ट आप इन ईयर हुक को इजिली रिमूव कर सकते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट कम्फर्ट, तो दोनों ही ईयरफोन्स आपके ईयर्स में परफेक्टली फिट हो जाते हैं। वन प्लस में आपको वही ओरिजिनल बुलेट जी के जैसे टिल्ट ईयरफोन्स डिज़ाइन मिलती है, वही बोट रोकर्स 335 में ईयर हुक मिल जाते हैं, सो दे बोथ फिट क्वाइट कम्फर्टेबली इन योर ईयर्स, एंड इसकी वजह से आप लॉन्ग टाइम तक दोनों ईयरफोन्स को आराम से वेयर कर पाएंगे। सो डिज़ाइन एंड कम्फर्ट वाइज बोथ ऑफ देम आर रियली ग्रेट ईयरफोन्स। नेक्स्ट बात करें इन ईयरफोन्स के फीचर्स के बारे में, तो दोनों ही ईयरफोन्स में आपको ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलता है। दोनों ही ईयरफोन्स ईजिली पेयर हो जाते हैं एंड दोनों में ही आपको कोई कनेक्शन लॉस देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, वन प्लस बुलेट जी बेस एडिशन में आपको स्मार्ट मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर मिल जाता है, जहाँ पे आप जैसे ही इन दोनों ईयरफोन्स को मैग्नेटिकली अटैच करते हो, म्यूजिक ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा, एंड जैसे ही आप इनको डिटैच करते हो, ईयरफोन्स अगेन आपके स्मार्टफोन के साथ पेयर हो जाएंगे। वही 2000 की रेंज में होने पर भी मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर आपको बोट रोकर्स 335 में देखने को नहीं मिलता, एंड बोट के साथ आपको एज यूजुअल मल्टीमीडिया बटन की हेल्प से म्यूजिक को प्ले पॉज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, दोनों ही वायरलेस ईयरफोन्स में आपको ड्यूअल पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है, बट बोट रोकर्स 335 में आपको मल्टीपल डिवाइस के साथ अच्छा मैनेजमेंट देखने को नहीं मिलता, एंड ये समटाइम्स बीप साउंड प्ले करता है अगर आप एक्सीडेंटली अपने दूसरे डिवाइस से दूर चले जाते हो। वही वन प्लस में आपको मल्टीपल डिवाइस को लेके अच्छा मैनेजमेंट देखने को मिल जाता है, बिकॉज इसके स्विच बिटवीन डिवाइस की बटन की हेल्प से आप मल्टीपल डिवाइस को इजीली हैंडल कर पाते हैं। नेक्स्ट, दोनों ही वायरलेस ईयरफोन्स में आपको IP55 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है, सो आप इन दोनों में से कोई भी ईयरफोन्स को जिमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं।
बात करें बैटरी लाइफ की तो दोनों ही वायरलेस ईयरफोन्स में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। दोनों ही वायरलेस ईयरफोन्स में आपको 10 मिनट चार्ज करने पे अप टू 10 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है। बोट अपने ईयरफोन्स में सिंगल चार्ज पे 30 आवर्स का प्ले टाइम क्लेम करता है, वही वन प्लस बुलेट जी 17 आवर्स का प्ले टाइम क्लेम करता है। नाउ मेरे टेस्टिंग में मुझे बोट रोकर्स 335 में 20 आवर्स का एंड वन प्लस बुलेट जी बेस एडिशन में 14 आवर्स का प्ले टाइम मिला विथ 60% वॉल्यूम। सो बैटरी बैकअप वाइज दोनों ही वायरलेस ईयरफोन्स आपको अच्छा बैटरी बैकअप देते हैं। नेक्स्ट बात करें लेटेंसी टेस्टिंग की तो बोट रोकर्स 335 में आपको डिसेंट लो लेटेंसी देखने को मिल जाती है जो नॉर्मल गेम्स में अच्छे से वर्क कर लेते हैं। वही वन प्लस बुलेट जी बेस एडिशन में आपको जस्ट वन प्लस के डिवाइस के साथ लो लेटेंसी देखने को मिलती है। सो अगर आप वन प्लस यूज़र नहीं हो एंड लो लेटेंसी के लिए ईयरफोन्स बाय करना चाहते हो तो आपको उस केस में मैं बोट रोकर्स 335 के साथ जाना रिकमेंड करूँगा। वहीं पे वन प्लस डिवाइस वाले गेमर्स को मैं वन प्लस बुलेट जी बेस एडिशन रिकमेंड करूँगा। नाउ फाइनली अगर हम बात करें साउंड क्वालिटी के बारे में तो वन प्लस ने बुलेट जी बेस एडिशन में एक्स्ट्रा बेस देके सच में कमाल का काम किया है एंड सच में ये अपने नाम पे 100% खड़े उतरते हैं। वन प्लस बुलेट जी बेस एडिशन में आपको प्रीमियम एंड थम्पिंग बेस मिल जाता है जो आई एम श्योर बेस लवर को काफ़ी पसंद आने वाला है। इसमें आपको वोकल्स, ट्रेबल्स, मीड, स्लोज एंड हाई सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से ट्यून किया हुआ मिलता है एंड मुझे इसकी साउंड ट्यूनिंग इतनी कमाल की लगी आप इन ईयरफोन्स में लिटरली एवरी इंस्ट्रूमेंट को सेपरेटली सुन पाएंगे। वही बोट रोकर्स 335 वायरलेस ईयरफोन्स में आपको बेस एनहांस किया हुआ देखने को मिलता है। सो बेसिकली बोट रोकर्स 335 में आपको लाउड एंड एक्स्ट्रा बेस वाला साउंड मिलता है। ये इतना लाउड है कि आप इन ईयरफोन्स को फुल वॉल्यूम पे कभी सुन नहीं पाएंगे। सो जिनको एक्स्ट्रा लाउड वाले ईयरफोन्स पसंद है उनके लिए ये ईयरफोन्स बेस्ट रहेंगे। सो साउंड क्लियरिटी वाइज मुझे वन प्लस बुलेट जी बेस एडिशन बोट रोकर्स 335 के कंपेयर में सच में अच्छे लगे। लास्ट टाइम इफ़ यू रिमेम्बर मैंने कहा था कि मुझे वन प्लस में साउंड लेस लाउड लगा तो ये कंप्लेन वन प्लस ने सच में सुन ली है एंड नाउ वन प्लस में आपको बैलेंस साउंड देखने को मिल जाता है विथ अमेजिंग बेस, वोकल्स एंड मिड साइज। सो क्वेश्चन हियर इज 2000 की रेंज में आपको इन दोनों में से कौन से वायरलेस ईयरफोन्स के साथ जाना चाहिए। वेल अगर आप वन प्लस यूज़र नहीं हैं एंड आप गेमिंग के लिए ईयरफोन्स बाय करना चाहते हैं देन क्लियरली बोट रोकर्स 335 आपके लिए परफेक्ट है। वहीं पे अगर आपको एक प्रीमियम साउंड सुनना पसंद है एंड आपको एक लाइट वेट वायरलेस ईयरफोन्स चाहिए देन वन प्लस बुलेट जी बेस एडिशन 2000 की रेंज में सच में कमाल के वायरलेस ईयरफोन्स है। अगर आप इनमें से कोई एक परचेस करना चाहते हैं तो दोनों ही वायरलेस ईयरफोन्स के बेस्ट बाइंग लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से कौन से वायरलेस ईयरफोन्स बेटर है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ माई फ्रेंड्स।